अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई शाहिद इकबाल समो। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ टिकटॉक शॉप ट्रेनिंग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट मार्केटिंग, कि आप किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं टिकटॉक शॉप पे, टिकटॉक बायर अकाउंट पे, किस तरह से सेल्स जनरेट कर सकते हैं ऑर्गेनिकली और पेड। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं ऑप्शंस? हमारे पास ऑप्शंस हैं टिकटॉक मार्केटिंग के, टिकटॉक शॉप पे। नंबर वन एक है प्रोफेशनल टूल्स के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं। नंबर दो हमारे पास है एफिलिएट कमीशन। नंबर तीन है हमारे पास एफिलिएट क्रिएटर मार्केटिंग। नंबर चार हमारे पास है शॉपेबल वीडियोस। नंबर पाँच है हमारे पास लाइव स्ट्रीम वीडियोस। और नंबर छः हमारे पास है टिकटॉक एड्स। ये जो छः तरीके हैं इसमें से हम एफिलिएट क्रिएटर मार्केटिंग और टिकटॉक एड्स, इनको अभी हम इस वाले लेक्चर में नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अलग से दो लेक्चर्स बनेंगे जो कि मैं इस फाउंडेशन ट्रेनिंग के बाद मैं इस्लामाबाद से होके आ जाऊँगा, तो फिर मैं आपको इनकी वीडियोज़ अलग से बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम चार को डिस्कस करेंगे जो कि फ्री हैं, अनपेड हैं, जिन पर आप ऑर्गेनिक सेल्स ले सकते हैं, और जो कि एक न्यू सेलर को बड़े जिनके लिए ज़रूरी है, न्यू सेलर के लिए ज़रूरी है, बगैर पैसा खर्च किया आप ऑर्गेनिक सेल्स जनरेट करें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एफिलिएट कमीशन को, जो कि हमने पिछली वीडियो जो हमारी थी प्रोडक्ट रिसर्च की, उसके अंदर हमने जब टूल्स को डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि कुछ सेलर्स, या हमने बायर अकाउंट पे चेक की थी तो कुछ सेलर्स एफिलिएट कमीशन लगा के बैठे हुए थे। तो वो कमीशन किस तरह से सेट होती है, आपने यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट की और प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आप आएंगे यहाँ से प्रोडक्ट्स और मैनेज प्रोडक्ट्स में। मैनेज प्रोडक्ट्स में आने के बाद कोई जो भी प्रोडक्ट जिस पे भी आपको एफिलिएट कमीशन लगानी है, आप उसको यहाँ पे एडिट डीएक्टिवेट और नीचे मोर में आके यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा सेट एफिलिएट कमीशन, आप इस पे क्लिक करें और जितनी भी एफिलिएट कमीशन आपको लगानी है आप इस पे अप्लाई टू वन प्रोडक्ट करके आप लगा सकते हैं। अगर आपको सारी प्रोडक्ट्स पे एफिलिएट कमीशन लगानी है तो आपको यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिल रहा है सेट एफिलिएट, और सेट एफिलिएट करके आप सारी की सारी प्रोडक्ट्स पे एफिलिएट कमीशन लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल इजी मेथड है एफिलिएट कमीशन लगाने से। ये होता है कि जो भी क्रिएटर्स हैं यूके के अंदर जो वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉकर हमारे जो हैं, वो बेसिकली आपको वीडियो आपको प्रोडक्ट बेच के देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस पे उनको 5% 10% कमीशन मिलेगी, तो वो आपके उस वीडियो को अपने पास लगाएंगे और आपको बिकवा के देंगे, जिसके बदले उनको कमीशन मिल जाएगी। अच्छा, वो उनकी और टिकटॉक की आपस में सेटिंग है कि टिकटॉक आपके पैसे काट के उनको किस तरह से देगा, वो उस प्रोग्राम में इनरोल हुए होंगे वगैरह वगैरह। उनका डैशबोर्ड अलग है, क्रिएटिव सेंटर है, ठीक है, तो वहाँ से उनको वो नज़र आ जाती हैं। नंबर टू हमारे पास जो ऑप्शन है वो है प्रोमोशनल टूल्स। यहाँ प्रोमोशंस में आएंगे और प्रोमोशंस में आके नीचे आप आएंगे प्रोमोशनल टूल्स, जिनको हमने टिकटॉक शॉप सेलर सेंट्रल के अंदर थोड़ा टच किया था, डिस्कस किया था, लेकिन हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। ये प्रोमोशनल टूल्स के अंदर आपके पास एक है प्रोडक्ट डिस्काउंट, नंबर दो है फ्लैश डील्स, नंबर तीन है आपके पास बाय मोर सेव मोर, नंबर चार आपके पास है वाउचर्स, नंबर पाँच है आपके पास बंडल डील, फिर है गिफ्ट विथ परचेज, शिपिंग फ्री डिस्काउंट। तो आप ये शिपिंग फ्री डिस्काउंट जब तक वाइट लेबल और डीएस कर रहे हैं तब तक तो आप ये हर प्रोडक्ट पे शिपिंग फ्री डिस्काउंट लगा दें, साथ में आप ये प्रोडक्ट डिस्काउंट भी लगा दें। डिस्काउंट लगाने का मकसद ये होता है कि आपको प्रोडक्ट मिल रही है 5 रुपये की, आप बेच रहे हैं 10 रुपये की, आपको 5 रुपये बच रहे, तो आप प्रोडक्ट को लिस्ट करें 12 रुपये पे और 2% या 2 रुपये कमीशन लगा के, या आप 12 की ये तकरीबन बनती है, 15% डिस्काउंट बनता है या 10% डिस्काउंट बनता है, वो डिस्काउंट भी डालते हैं। इससे थोड़ा कस्टमर अट्रैक्ट होता है कि भैया इसकी शिपिंग भी फ्री है, भाई इस पर डिस्काउंट भी है, फिर आपने उस पर एफिलिएट कमीशन लगा दी तो एफिलिएट वाला बोलेगा कि यार वो भी आ जाएगा, वो भी बिकवा के देगा, तो इस तरह से आपकी सेल्स थोड़ा ज़्यादा जनरेट होंगी। तो इसको किस तरह से करना है, प्रोडक्ट डिस्काउंट को आपने यहाँ पे क्रिएट दबाना है, सिंपली क्रिएट दबाने के बाद आपने इसको जो भी मेरी प्रोडक्ट थी, लेट सपोज मेरे पास प्रोडक्ट थी, ये मेरे पास प्रोडक्ट थी, इसका नाम था ये, ठीक है, मैंने इसका नाम लिख दिया, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट प्रोमोशन नेम हमने लिख दिया, ताकि हमें बाद में जब हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, नाम आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। प्रोमोशन पीरियड ये आपने लिख दिया 2024 की जनवरी तक, ठीक है, मैं इसको एक महीने के लिए लगा देता हूँ, ठीक है, 28 तक,
ठीक है, 28 जुलाई से 28 अगस्त तक। अच्छा, डिस्काउंट टाइप आपने सिलेक्ट करना है कि वो फिक्स प्राइस है या वो परसेंटेज है। तो आपने ज़्यादातर अट्रैक्टिव मेरे हिसाब से परसेंटेज रहता है, ठीक है, आपने परसेंटेज सिलेक्ट किया। उसके बाद आप आएंगे प्रोडक्ट लेवल या वेरिएशन लेवल। आपने प्रोडक्ट लेवल, अब यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट, और आपके पास जो भी लिस्ट हुई हुई प्रोडक्ट्स हैं आपने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। इन सारों पे ऑलरेडी डिस्काउंट लगा हुआ है तो हम इसको डन करेंगे, हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली, नेक्स्ट डन। अच्छा, अब आपने डिस्काउंट यहाँ पे लगा देना। लेट सपोज मैं यहाँ पे 10% डिस्काउंट लगा रहा हूँ, ठीक है, और टोटल परचेस लिमिट नो लिमिट कर दी। अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं कि अगर आप किसी को 10-2 यूनिट से ज़्यादा नहीं खरीदने नहीं चाहते कि वो ख़रीदे, तो वो लिमिट लगा सकते हैं। बायर परचेस लिमिट आप यहाँ पे भी वो भी लगा सकते हैं, और आपने इसको एग्री एंड पब्लिश कर देना है। तो आपके प्रोडक्ट पे डिस्काउंट का इस तरह का ये, जैसे मैं इधर टच करता हूँ तो आप स्क्रीन पे देखें, तो इस पे लिखा हुआ है कि ये जो कटम लगा हुआ है कि 500 की नहीं 380 की, ठीक है, 500 नहीं 380 पाउंड की आपको मिलेगी। ये डिस्काउंट का इस तरह का वहाँ पे आइकन बन के आ जाएगा, इससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है। अच्छा, अब माय प्रोमोशंस पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर आपने प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट लगाया है। तो बेहतर ये है कि आपने उस प्रोडक्ट का नाम लिख देना है, ताकि आपको पता हो कि कौन सी प्रोडक्ट पे आपने कितना डिस्काउंट लगाया, उसको ख़त्म करना है नहीं करना है। क्योंकि अगर सप्लायर के पास प्रोडक्ट बढ़ गई है तो आप नुकसान में तो नहीं जा रहे, तो उसको आप चेंज कर सकें, ताकि, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोमोशनल टूल्स के अंदर आपके पास फ्लैश डील है, ऑफर लिमिटेड टाइम डील्स टू इंसेंटिवाइज स्विफ्ट परचेजेस, सेल एक्सेसिव इन्वेंट्री आर अट्रैक्ट न्यू बायर्स। आप ये फ्लैश डील भी लगा सकते हैं। इसमें अगेन आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, XYZ, पीरियड सेलेक्ट किया आपने, फिर आपने यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट की, और प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे डील प्राइस आपने लिख दी, ठीक है, परसेंटेज नहीं लिखना। लेट सपोज ओरिजिनल प्राइस 30 है, अगर आप इस डील के तहत लेंगे तो ये आपको 10% ऑफ मिलेगी, और इसको आपने पब्लिश कर देना है। तो ये डील प्राइस, अब ये डील प्राइस किस तरह दिखती है मैं आपको दिखा देता हूँ, कस्टमर्स को किस तरह बेसिकली शो होगी ये आप देख लें। फ्लैश डील एंड्स इन, ये टाइम लिखा हुआ है जो भी आप मेंशन करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 29% ऑफ, ठीक है, तो इससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है। तो ये भी एक किस्म की मार्केटिंग है, और इससे आपकी कन्वर्जन बढ़ती है। एक आपने एफिलेट कमीशन सेट की, जिससे आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपके क्रिएटर्स हैं टिकटॉक के, वो आपको सेल करके देंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास प्रोमोशनल टूल्स का है। प्रोमोशनल टूल्स के बाद जो तीसरा आपके पास ऑप्शन है, आ जाते हैं इधर स्क्रीन पे। तीसरा आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे अपनी मेन प्रोफाइल पे जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही हैं प्रोडक्ट्स हाइड हुई हुई हैं, क्योंकि मैं अपनी किसी कस्टमर की प्रोडक्ट रिवील नहीं करना चाहता। तो आप यहाँ से प्लस के बटन को दबाएंगे, और प्लस के बटन को दबाने के बाद आपने XYZ कोई भी, लेट सपोज मैं फ़िलहाल कुछ भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपने ऐड लिंक का आपको ऑप्शन आ रहा है ये, ठीक है। ये अब ये वो वीडियो है जो हमने डाउनलोड की थी प्रोडक्ट, जब हमने सोर्सिंग की, जब हमने प्रोडक्ट रिसर्च वाले लेक्चर में देखा था, तो हमने वो प्रोडक्ट डाउनलोड की थी। डाउनलोड करने के बाद हमने वो फोल्डर में सेव करके दे दी, हमने लिस्टिंग कर दी। अब वही वीडियो उसको हम टिकटॉक के फॉर्मेट पे सेट करके, और यहाँ पे हम उस वीडियो को अपलोड करेंगे, तो ये कस्टमर्स को दिखेगी। अच्छा, वैसे कस्टमर्स को टिकटॉक शॉप के ज़रिए वो वीडियो जो आपने लिस्टिंग में ऐड किया वो तो दिखेगी, लेकिन यहाँ से आपको ऐड लिंक आप करेंगे, तो यहाँ से ये फोटो मोड में अवेलेबल नहीं है, हमें वीडियो ही लगानी पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, डिस्कार्ड, और यहाँ से हम कोई भी वीडियो उठा लेते हैं। लेट सपोज ये वाली वीडियो है, नेक्स्ट करते हैं।
और हम यहाँ पे ऐड लिंक करते हैं। आप जैसे ऐड लिंक करेंगे तो ये आपकी जितनी भी टिकटॉक शॉप पे जितनी भी आपकी लिस्ट हुई भी हैं प्रोडक्ट्स, वो आपको शो हो जाएंगे। अब ये जिस भी प्रोडक्ट की लिस्ट है, ये जिस भी प्रोडक्ट की वीडियो है, आपने उसको सिंपली यहाँ से ऐड का बटन दबाना है। ठीक है, आपने इसको ऐड कर दिया। अब प्रोडक्ट नाम लिख दिया सर, जो भी नाम है एक्स वाई जी, या तो वही नाम जो ऑलरेडी आपके टाइटल में सेलेक्ट हुआ हुआ है सेलर सेंट्रल पे, या आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी नया नाम भी लिख सकते हैं। अब आपने ऐड कर दिया प्रोडक्ट लिंक। अब जब आप इसको पोस्ट करेंगे ना, अच्छा यहाँ पे मैं बात कर रहा था, आपने लिंक ऐड कर दी, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था ये हैशटैग्स की। अब ये वो जो हैशटैग हमने प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर देखे थे, वो हैशटैग आपको यहाँ पे लगाने हैं। अच्छा, शेयर योर थॉट्स। अब ये जो टाइटल है ना, इसके अंदर हमें लिखना है, लेट सपोज वो जो हमने कीवर्ड्स लिखे थे बाय योर्स नाउ, फिर हमने इधर स्लैश दे दिया और हमने लिख दिया फ्री शिपिंग, फिर हमने तीसरा कीवर्ड दे दिया, हमने वो जो तीसरा टॉप थ्री कीवर्ड्स थे ना, हम वो कोशिश करेंगे कि यूज़ करें 50% ऑफ, ये हमने लिखा। और फिर हमने रिटर्न आए और यहाँ पे हमने हैशटैग्स इससे रिलेटेड जो भी हमें मिले थे वो चारों हैशटैग हम डालेंगे और फिर हम इसको पोस्ट कर देंगे। अच्छा, पोस्ट करने के बाद ये वीडियो कुछ आपको इस तरह से दिखेगी, कस्टमर्स को ये वीडियो कुछ इस तरह दिखेगी। ले सब मैं ये खोलता हूँ तो यहाँ पे कस्टमर्स को इसकी लिंक आएगी। ये देखो, ये ऊपर मैं इस लिंक को क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट इस प्रोडक्ट की तरफ मुझे लेके जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान से मैं चला रहा हूँ तो मैं अभी ये प्रोडक्ट मुझे शो नहीं हो रही। यूके वाला कस्टमर इसको करेगा तो उसको शो होगी, वो बाय नाउ करेगा और देन आपकी प्रोडक्ट इस तरह से परचेज होती है। अब ये जितने व्यूज़ जाएंगे उतनी ज़्यादा सेल्स आपके पास आएंगी, ठीक है, फॉलोअर्स आपके बढ़ते जाएंगे, फिर आप इस पर एड भी चला सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, वो एक अलग कहानी है, उसको इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास था, एक था प्रोमोशनल टूल्स का, एक हमारे पास था एफिलिएट कमीशन का, और एक हमारे पास था ये शॉपेबल वीडियोस का ऑप्शन, जिसको हम शॉपेबल वीडियोस कहते हैं, और एक है हमारे पास कि हम लाइव वीडियोस चलाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप पाकिस्तान से वो लाइव वीडियो करना चाह रहे हैं तो आपके पास वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते, वो आपके लिए यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने क्लाइंट को बोलें कि ये प्रोडक्ट की लाइव लगा दें, ठीक है, या आप वो वीडियो किसी क्रिएटर को भेज दें वो लाइव कर दे, तो लाइव वीडियोस भी इसी तरह होगी, उसी में एडिट हम ऐड लिंक कर देते हैं। तो फिलहाल आपके लिए जो पॉसिबल है और जो इजी है वो ये है कि आप शॉपेबल वीडियोस इस तरह की डालें, एक प्रोडक्ट को हफ्ते में दो बार दो वीडियो शेयर करें, करते रहें शेयर करते रहेंगे, आपकी सेल्स आती रहेंगी। तो प्रोमोशनल टूल्स भी यूज़ करें, एफिलिएट कमीशन भी यूज़ करें, हर प्रोडक्ट की वीडियो हफ्ते में दो बार डालते रहें, इस तरह से आप ऑर्गेनिकली सेल्स ले सकते हैं। तो ये था हमारा मार्केटिंग का लेक्चर, इस तरह से आप ऑर्गेनिक सेल लगते थे, बिल्कुल इजी है, कोई इतना मुश्किल राम कहानी इसमें नहीं है। मिलते हैं, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।